सहकारिता प्रकोष्ठ के सदस्यता अभियान संबंधी बैठक में सीतापुर पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे एवं भाजपा अवध क्षेत्र के सदस्यता प्रभारी नीरज सिंह ने यूपी के सीतापुर में पार्टी के सदस्यता को लेकर बड़ा दावा किया है। सदस्यता प्रभारी नीरज सिंह ने दावा किया है कि पिछली बार सीतापुर ने प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, इस बार भी सीतापुर में ऐतिहासिक सदस्यता होगी। राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर सदस्यता प्रभारी नीरज सिंह क्या बोले, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता के नवीनीकरण के साथ इस राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सुचारू रूप से देश में और प्रदेश में यह अभियान तेजी पकड़ रहा है। आज उसी उद्देश्य से हम लोग सीतापुर में हैं। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय शुक्ला जी के नेतृत्व में सभी जिला पदाधिकारी, हमारे ब्लॉक प्रमुख, सहकारिता के भी साथी आज यहाँ पर एकत्रित हैं और इस सदस्यता अभियान को हम सीतापुर में भी, यह सीतापुर पिछली बार सदस्यता अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया था और इस बार भी इस पूरे संगठनात्मक कार्य को बहुत मजबूती से किया जा रहा है। आज उसी को गति देने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि सदस्यता इस बार ऐतिहासिक होने वाली है। विपक्ष सोशल मीडिया पर ही आज है, जमीनी स्तर पर वो दिखाई नहीं देते। जमीनी स्तर पर लोगों के हितों के लिए, लोगों के की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अगर कोई संघर्ष करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है और हमारी जवाबदेही भी है, हम उसको समझते हैं। पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी का है तो हम जनता के दिए गए इस दायित्व को भी समझते हैं और हमारी सभी पार्टी के कार्यक्रम हो, योजनाएं हो, सब गांव, गरीब, पिछड़े, किसान, महिलाओं, युवाओं, हर एक वर्ग को छूने वाला सर्वस्पर्शी हमारी योजनाएं होती हैं। और विपक्ष के संदर्भ में तो इतना ही कहूँगा, एक आधारहीन आरोप लगाना उनका एक रवैया सदैव रहा है, पर अब समय है कि उन्हें भी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी में कराए जा रहे विकास कार्यों एवं गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं पर सदस्यता प्रभारी नीरज सिंह ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुनिए। माननीय योगी जी के प्रति तो केवल प्रदेश के अंदर ही नहीं, उनके इस उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा तो अब विदेशों में भी होती है और आज आप देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ा है और गांव, गरीब, किसान, युवाओं, महिलाओं, सभी को छूने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि सभी विधानसभाओं में 100% हम रिजल्ट देने का काम करेंगे, सभी विधानसभा जीतेंगे। इससे पहले भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक में भाग लेने पहुंचे अवध क्षेत्र के सदस्यता प्रभारी नीरज सिंह का टोल प्लाजा पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में स्वागत किया गया। भाजपा के जिला कार्यालय पर आयोजित सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक को संबोधित करते हुए नीरज सिंह ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं और खासकर सहकारिता प्रकोष्ठ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित करना है। देश के अधिकतर व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहकारिता से जुड़े हुए हैं, इसलिए सहकारिता प्रकोष्ठ से जुड़े पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाकर पार्टी को अनंत ऊंचाइयों तक ले जाना है। इससे पहले नीरज सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि सहकारिता प्रकोष्ठ से जुड़ा पदाधिकारी लगातार जनता के बीच जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि सीतापुर भाजपा ने प्रदेश में सबसे अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया है। बैठक में जिला सदस्यता संयोजक सुधाकर शुक्ला, विश्राम सागर राठौर, रमेश भार्गव, डीसीडीएफ चेयरमैन रोहित सिंह, प्रेम सागर पांडे, डीसीबी अध्यक्ष विष्णु कुमार मौर्य, मनोज तिवारी, संजय मिश्रा, जया सिंह, नैमिष रत्न तिवारी, स्वतांशु वाजपेयी सहित सहकारिता से जुड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।